बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सेफ्टी फर्स्ट विद फर्स्ट एड। आज की फर्स्ट एड की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर शहद की मक्खी या भीड़ वगैरह आपको काट ले तो आपको क्या करना है। जब भी शहद की मक्खी आपको काटेगी वो आपकी स्किन के अंदर वेनम को दाखिल करती है, यानी अपने डंक को दाखिल करती है। इसमें हमने करना क्या है कि आपको जब फील होगा कि आपको शहद की मक्खी ने काटा है, आपने उसके लिए सबसे पहले वेनम को निकालने की कोशिश करनी है। वेनम अगर आप उस जगह को देखेंगे जहां पे रेडनेस हुई होगी, स्वेलिंग हुई होगी, आप उस जगह पे वेनम थोड़ा सा उसका डंक जो बाहर निकला होगा उसको बिल्कुल स्ट्रेट निकालना है आपने बाहर को, कि वो अंदर टूटे ना। उसको बिल्कुल स्ट्रेट निकालेंगे, नाखून से निकाल लें, किसी कटर से निकाल लें। उसको जब बाहर निकाल लेंगे उसके बाद आपने उसके ऊपर ठंडे पानी के टिकोर करने हैं, यानी कि बर्फ को कपड़े के अंदर बंद करके उसके ऊपर टिकोर करना है। जब टिकोर कर लेंगे आप, उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, उसकी रेडनेस कम हो जाएगी और दर्द की शिद्दत में कमी वाकया हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर आपको एलर्जी वगैरह का महसूस हो कि मुझे इस चीज से एलर्जी हो रही है, तो आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाना है। बी स्टिंग के वाले से मैंने आपको फर्स्ट एड भी बता दी है और बता भी दिया है इसमें क्या करना है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद जो वीडियोस हमने डालनी है इस चैनल के थ्रू, फर्स्ट एड की मुकम्मल ट्रेनिंग करवानी है, उसके नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो सके। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को भी सेंड करें, ताकि उनका भी इसमें फायदा हो। ये सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर इस्लाम राना, सेफ्टी फर्स्ट विद फर्स्ट एड।